ज्ञानभावी मस्जिद के मसले पर आज अदालत में सुनवाई हुई। दलायल सुनने के बाद अदालत ने 12 जुलाई तक कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। बेंगलुरु ईदगाह मैदान पर हिंदू त्यौहार की इजाजत देने के मुतालबे पर जोर देने कई हिंदू तंजीमों ने बड़ी रैली निकालने और 12 जुलाई को बंद मनाने का ऐलान किया। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा, होटल और रेस्टोरेंट्स खाने के बिलों पर डिफॉल्ट सर्विस चार्जेस नहीं लगा सकते। CCPA ने सर्विस चार्जेस वसूल करने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट मरकज की अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत आइंदा हफ्ते करेगा। मौर्य बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में तश्कील दी गई हुकूमत को गैर अखलाकी और गैर जमहूरी बताया। अपोजिशन जमातों के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने हिंदुस्तान का सदर मुंतखब हो जाने पर हर शहरी के हकूक और आजादी के तहफ्फुज़ का अहद किया।